गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास वन का ईवीएस। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर सिक्स गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स का मतलब होता है अच्छी आदतें। ठीक है, अब हमारी अच्छी आदतें क्या हैं, अच्छी आदत होती क्या है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हैबिट्स रिफर्स टू द रेगुलर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। हैबिट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग रेगुलर जो हमारा बिहेवियर होता है किसी इंसान का, मीन्स किस कैसे किसके साथ बात करनी चाहिए, कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारी आदतें कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिट। ठीक है, वी शुड हैव गुड हैबिट्स। हमें कैसी आदतें होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। ठीक है, ए पर्सन विथ गुड हैबिट इज़ लाइक्ड बाई ऑल। अगर एक कोई इंसान अगर अच्छी आदतें यूज़ करता है, मीन्स अच्छे काम करता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, सारे लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, वी लर्न गुड हैबिट्स एट होम एंड इन स्कूल। हम लोग गुड हैबिट्स कहाँ सीखते हैं, अपने घर पे सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। घर पे कौन सिखाता है, मम्मी पापा सिखाते हैं। स्कूल में कौन सिखाता है, टीचर्स सिखाती हैं कि अच्छी आदतें क्या क्या होती हैं। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द गुड हैबिट्स दैट वी शुड हैव। कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्टैंड इन अ क्यू वाइल गेटिंग इन टू अ बस, डू नॉट पुश एनीवन। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग बस में जाते हैं, जब बस में चढ़ते हैं, तो हमेशा लाइन वाइज ही चढ़ना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग धक्का देंगे तो सामने वालों को क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी अच्छी आदत हो गई है। ठीक है, टॉक पोलाइटली टू अदर्स, स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस। अगर हम लोग दूसरे लोग से बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए। ठीक है, स्पीक इन सॉफ्ट वॉइस और अच्छे से बात करना चाहिए, धीरे बात करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स। हमें क्या करना चाहिए, बड़ों की और हमारे टीचर्स मीन अध्यापकों की क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी हमसे बड़े हैं उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, उन्हें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारी हो गई क्या, गुड हैबिट्स हो गई। ठीक है, इफ़ समवन गिव्स यू समथिंग ऑलवेज से थैंक यू। अगर तुम्हें कोई कुछ दे रहा है तो हमें क्या बोलना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे आपको आपको बर्थडे में आपके सब लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स जो भी होते हैं गिफ्ट लेके आते हैं, तो आप लोग आपको क्या बोलना चाहिए उस टाइम, थैंक यू बोलना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे गुड हैबिट्स। मीन आपको कोई चीज़ दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, तो आप बदले में उन्हें क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग से प्लीज़। अगर आपको कुछ चाहिए, किसी से आपको कुछ चाहिए, कुछ लेना है या कुछ आपको मांगना है, तो आप उन्हें कैसे बोलेंगे, से प्लीज़। ठीक है, जैसे आपको किसी से, किसी क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से पेंसिल चाहिए, आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ मुझे पेंसिल दे दो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। तो कोई भी सामान आपको कुछ भी चाहिए तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्लीज़। ठीक है, इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग से सॉरी। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, माफ़ी मांगेंगे ना, जब आपसे कोई भी गलती हो जाएगी, कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है ना। तो ये भी हो गए हमारे गुड हैबिट्स। नेवर टीज और मेक फन ऑफ अदर्स। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या होती, बहुत ही बुरी आदत होती है, बैड हैबिट्स होती है। किसी का मजाक उड़ाना क्या होता है, बहुत ही बैड हैबिट होता है। तो कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, ऑलवेज कीप योर थिंग्स लाइक टॉयज बुक्स क्लोथ्स एंड पेपर बॉटल एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमेशा जो भी सामान है, जैसे आपके टॉयज हो गए, बुक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, पानी का बॉटल हो गया, ठीक है, वाटर बॉटल, उन्हें उनकी जगह पे रखना चाहिए। ये नहीं कि जैसे टॉयज के साथ हमने खेल लिया, बुक से पढ़ लिया और वहीं पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ से आपने लिया है और उसके प्रॉपर प्लेस पे ही रख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुड हैबिट्स।
ऑलवेज ग्रीट एवरी वन विथ अ स्माइल, हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, किसी भी लोगों को हमेशा स्माइल करना चाहिए। मीन्स जैसे ये नहीं कि कोई दुखी मन से किसी को ग्रीट करें, हमेशा क्या करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई आपके घर में आता है तो ये नहीं कि दुखी हो जाएं कि क्यों आ गए, कौन है ये, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमेशा स्माइल मीन्स अच्छे से खुशी से ही करना चाहिए उनको ग्रीट। ठीक है, डू नॉट राइट और स्क्रबल ऑन द वॉल्स, हमें कभी भी दीवार पे, दीवार जो होती है उन पे कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, कोई कलर पेंट कुछ भी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएंगी, हमारी जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी दीवारों पे लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, सब बैड हैबिट ही क्या होती है, बुरी आदत होती है। ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, हमें सुबह क्या ना जो सुबह के समय हमें जल्दी उठना चाहिए और रात में हमें जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, अब जो हम लोग घर पे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की, मम्मी की, पापा की हेल्प करनी चाहिए उनके काम करने में। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, हमारी गुड हैबिट्स होती है और हमें इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी गुड हैबिट्स होती हैं हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे बड़ों का आदर करना, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जब कोई हमें सामान देता है तो उसे थैंक यू बोलना, जब हमें कुछ चाहिए तो उससे प्लीज़ करके बोलना। ठीक है, जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम सॉरी बोलना चाहिए उनसे। ठीक है, और हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं जैसे खिलौने हो गए, बुक्स हो गए, तो उन्हें उसके प्लेस पे रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो हमेशा कोई भी आता है तो हमें उन्हें हमेशा खुशी से ग्रीट करना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी वॉल पे लिखना नहीं चाहिए, दीवारों पे, क्योंकि दीवार क्या हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। तो ये सब क्या हो गया, हमारे गुड हैबिट्स हो गए और हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी में उठो और रात को टाइम से सो जाओ। ठीक है, हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, अपने घर में, जब घर पे आप हो तो अपने मम्मी पापा की हेल्प करो कोई भी काम करने में। तो ये सब क्या हो गए, हमारे गुड हैबिट्स हो गए। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। अब आप लोग इसे रीड करिए, इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी आपको हार्ड लगते हैं कोई वर्ड, तो उसे आप लर्न करिए लिख के। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।